भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोने का बेहद महत्वपूर्ण कार्य किया था। उनकी कोशिशों के कारण ही बिना रक्त बहे 560 रियासतें भारत में आ मिली थी। रियासतों को भारत में मिलाने का यह कार्य 1947 में आज़ादी के महज कुछ महीनों के अंदर ही पूरा कर लिया गया था। चूंकि भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनकी याद में ही 31 अक्टूबर 2018 को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी का अनावरण भी किया गया था। आज ही के दिन 31 अक्टूबर 1984 को भारत की चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पद पर रहते हुए हत्या कर दी गई थी। फौलादी इरादों और निडर फैसलों वाली देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेन सिंह ने उनके नई दिल्ली के सफदरगंज रोड स्थित आवास पर गोली मार दी थी। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 के बीच लगातार 3 बार देश की बागडोर संभाली और उसके बाद 1980 में दोबारा इस पद पर पहुंची थी। स्वेज नहर को फिर से खोलने के लिए ब्रिटेन तथा फ्रांस ने 31 अक्टूबर 1956 को मिस्र पर बमबारी शुरू की थी। मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने 26 जुलाई 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था तथा ब्रिटेन व फ्रांस की सेनाओं से मिस्र खाली करने का आदेश दिया। इस पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण पुनः स्थापित करने तथा मिस्र के राष्ट्रपति नासिर को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से ब्रिटेन व फ्रांस की सेनाओं ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। सुरक्षा परिषद में रूस ने आक्रमण न रोकने की स्थिति में युद्ध में कूद पड़ने की धमकी दी। इस पर ब्रिटेन तथा फ्रांस ने युद्ध बंद कर दिया। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से 1957 में स्वेज नहर को सभी देशों के जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। भारत की प्रसिद्ध पंजाबी एवं हिंदी लेखिका अमृता प्रीतम का निधन 31 अक्टूबर 2005 में हुआ था। अमृता प्रीतम पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक थी। उनको पंजाबी भाषा की पहली कवियत्री भी माना जाता है। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अमृता प्रीतम उन साहित्यकारों में थी जिनकी कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। अमृता प्रीतम को साहित्य अकादमी पुरस्कार व भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत भी किया गया था। तो इसी प्रकार हर रोज की हिस्ट्री जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।